दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में इस इलेक्ट्रिक केतल को रिपेयर करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से टेस्ट कर लेते हैं, सीरीज वाले पावर पर लगाएंगे और यहाँ पर जब ऑन करेंगे दोस्तों तो ये बल्ब जलना चाहिए। देख बल्ब को जलना चाहिए, ये बल्ब जल नहीं रहा है। तो आज की इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान भाषा में और बहुत नए तरीके से आपको रिपेयर करके दिखाऊँगा, जो कि कोई भी इसे ठीक कर सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए भाई स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ये नीचे का वायर है दोस्तों, इसको चेक करेंगे और सीरीज पर बोर्ड पर। जब भी इसको चेक करें, सीरीज पर करें और ऐसे चेक करें तो कंफर्म कर लें दोस्तों ये सही है नहीं। तो यहाँ छोटा सा वायर लेंगे और इस वायर को यहाँ पर जो पत्ती लगी है इसको यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। इस तरह से कन्फर्म हो गया दोस्तों ये हमारा बोर्ड ओके है, ये सॉकेट है ओके है। मेन प्रॉब्लम केतली में है। तो केतली पर यहाँ पर लाएंगे और इसको यहाँ पर को जो पीछे यहाँ पे तीन स्क्रू होता है दोस्तों, ये तीन ही जो स्क्रू है यहाँ से बारी बारी खोल लेंगे और खोल के इसका जो ढक्कन है ये यहाँ से निकालेंगे और निकाल के देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, क्या दिक्कत है। यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे इंडिकेटर लगा होता है, इस इंडिकेटर को यहाँ से निकाल लेंगे और हम आपको इस तरह से चेक करा के दिखाएँगे कि एकदम आसानी से इसको ठीक करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले ये जो पिन है थर्मास्टेट पर, ये दोनों यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरह से ये निकाल लीजिएगा दोनों को और इसको चेक करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसको लगाएंगे और सीरीज पर ही चेक करेंगे दोस्तों। जब भी चेक करें सीरीज पर चेक करें, इसे कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सीरीज़ वाला वायर कनेक्ट करेंगे और सबसे पहले हम इसका एलिमेंट चेक करेंगे दोस्तों। तो एलिमेंट वाले क्वांटिटी पर इसको लगाएंगे, एलिमेंट ओके है। स्विच चेक करेंगे दोस्तों, ये जो वायर है रेड और वाइट, ये जो हमारे हैंडल में गया है, ये स्विच लगी है ऊपर, यही वायर आया है। तो इसको यहाँ पर आपको चेक करके दिखाते हैं। एक यहाँ पर क्वांटिटी पर लगा हुआ है एलिमेंट पर। तो यहाँ पे सीरीज वाला पावर निकालेंगे और एक वायर को यहाँ पर जो क्लिप होती है इसमें लगा देंगे और यहाँ पर फिर सीरीज वाला पावर कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर एलिमेंट वाला जो लाल वाला आया है एलिमेंट पर, इसको यहाँ पर लगा के और स्विच को यहाँ से कंफर्म कर लेंगे इस तरह से। तो स्विच भी ओके है, तो स्विच हमारी बिल्कुल ओके है, स्विच में कोई दिक्कत नहीं। अब हम चेक करेंगे थर्मास्टेट को, ये जो ऊपर थर्मास्टेट लगा है और इसमें दो रिंग है दोस्तों, एक नीचे एक ऊपर, इसको यहाँ से चेक करके दिखाते हैं। और ये दो खुंटी है इधर इधर, इस तरह से इसको भी चेक करके आप कंफर्म कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दो रिंग है दोस्तों, यहाँ पर दोनों रिंग से हमारे दोनों नीचे ऊपर खुंटी पर यहाँ पर पावर आता है। तो इस तरह से चेक करेंगे, तो एक खुंटी पर लगाएंगे वायर को, एक ऊपर वाली रिंग पर लगाएंगे। तो दोस्तों ये नहीं बता रहा है, ये बता नहीं रहा है इस साइड वाली खुंटी, इस साइड वाली ये ओके है दोस्तों, इधर की खुंटी सही है, इधर वाली बता नहीं रही है, जिसकी वजह से नीचे पावर नहीं आ रहा है दोस्तों। तो अब इसको खोलते हैं थर्मास्टेट को, थर्मास्टेट को खोलते हैं और खोल के देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर तीन स्क्रू पर दोस्तों, एक ऊपर और ये तीनों को बारी बारी खोल लेंगे और खोल के इस थर्मास्टेट को यहाँ पर बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर छोटा से छोटा तीन नट लगा होता है दोस्तों, तो इस तरह से इसको खोल लीजिएगा आराम से और खोल के इस थर्मास्टेट को बाहर निकाल लीजिएगा और इसको भी चेक करके आपको ऊपर भी थर्मास्टेट को दिखाएँगे इसमें क्या दिक्कत है, क्यों नहीं ये ऑन हो रहा है दोस्तों। तो इस तरह से बाहर निकाल लीजिएगा, हमारा बाहर हो गया ओके। और ये सिंगल थर्मास्टेट है दोस्तों, इसमें डबल होता है, डबल पत्ती होती है, तो ये सिंगल वाला है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसकी जो पत्ती है दोस्तों, जो चिपकती है लूज़ हो गई दोस्तों, जो खुंटी है हिल गई है दोस्तों, इसकी वजह से ये सही वर्क नहीं कर रहा है। ये कार्बन होता दोस्तों साफ करके लग जाता, बिल्कुल वर्क करती, मगर ये खुंटी हीट होके हिल गई है दोस्तों, ये सही वर्क नहीं करेगी और ये परेशान करेगी और ये चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। इसको हम चेंज करेंगे, इसमें नया डालेंगे और नया आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगा दोस्तों, ये वाला। तो ये वाला आपको लगा देंगे, तो ये वाला जो है डबल पत्ती का दोस्तों, और इसकी यहाँ से जो पत्ती चिपकती है, जो हमारी मेन पत्ती होती है, यहाँ पर दो बिंदी लगी है दोस्तों, यहाँ पर गौर करेंगे, ये बिल्कुल ओके है। और ये जो उसकी खुंटी भी ओके है, इस साइड भी दो पत्ती लगी है, ये भी ओके है। और इसको यहाँ से आपको चेक करके दिखाते हैं, वही सीरीज़ वाले पावर लगाएंगे और लगा के, और जो ऊपर दो राउंड रिंग है और नीचे दो खुंटी है, उस पर इस तरह से चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से कंफर्म हो जाता है दोस्तों। तो एक खुंटी पर लगाएंगे यहाँ पर और एक रिंग पर लगाएंगे, ऊपर वाला रिंग से ओके है, अब उस साइड वाला नीचे वाली रिंग से लगाएंगे और इस तरह से चेक करेंगे ओके। ये हमारा थर्मास्टेट बिल्कुल ओके है दोस्तों। तो इसको अब यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, लगाएंगे, तो जो हमारा केतल है दोस्तों, यहाँ पर ऊपर दो स्क्रू है, तो ये दोनों स्क्रू वाला ऊपर लगाएंगे, इस तरह से बैठाएंगे
और जो तीन छोटे छोटे नट खोले थे दोस्तों, इसको यहाँ पे लगा के बारी बारी और इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। और जितना अच्छे से टाइट कर लीजिए बेहतर है दोस्तों। तो हम बराबर इसको तीनों को टाइट कर लेते हैं और इसका कनेक्शन बेहद ईजी है दोस्तों। बस वो जो दो क्लिप निकाले थे, एक लाल वाली ऊपर वाली और एक नीचे वाली, ये दोनों को इस तरह से इसमें लगा देंगे। ये हमारा बनकर रेडी हो गया। अब ऊपर का जो हमारा ढक्कन है ये वाला, और इस इंडिकेटर को यहाँ पर लगाएंगे और लगा के इसको बैठाएंगे। और यहाँ पर जो हमारे तीन स्क्रू खोले थे दोस्तों, ये तीन स्क्रू को बारी बारी अच्छे से टाइट कर लीजिएगा। बराबर बनकर रेडी हो गया। अब आपको टेस्ट करके दिखाते हैं दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको बराबर मिलती रहे और आपका काम बन जाए। यहाँ से सीरीज़ वाला पावर कनेक्ट करेंगे, यहाँ से ऑन करेंगे, बल्ब ग्लो हो गया, ऑन हो गया तो सीरीज़ पर ये कंफर्म हो गया दोस्तों। अब इसको यहाँ से इसमें खोलेंगे और पानी डालेंगे और आपको हीट करके दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ से मेन पावर पर कनेक्ट करेंगे इसको, यहाँ पर मेन पावर पर कनेक्ट कर दिए और यहाँ से ऑन करेंगे। ये हमारा ऑन हो गया, इंडिकेटर स्विच करने लगा दोस्तों। और ये अभी जैसा हीट होगा दोस्तों, ये पानी उबलने लगेगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखें थोड़ा थोड़ा हीट हो रहा है दोस्तों, भाप आने लगी। और जैसे ज़्यादा हीट होगा दोस्तों, इसमें उबाल आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अपने ख़राब केतल को घर पे आसानी से ठीक कर सकते हैं दोस्तों। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप इसे चेक करें और इसको ठीक कर लें। ये हमारा पानी बनने लगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को खूब खूब शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।